तो इस वक्त बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सुखबीर बादल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। 550वें प्रकाशोत्सव पर पूर्व सैनिकों को बहाल करने की मांग करी है। आपको बता दें, 1984 में 309 सिख सैनिकों ने सेना छोड़ दी थी। इन्हीं सिख सैनिकों को बहाल करने की मांग सुखबीर बादल ने करी है। सिखों के साथ अन्याय की सराहना करने की गाथा आपके संज्ञान में लाने के लिए लिख रहा हूं पत्र, ये कहा है सुखबीर बादल ने 35 साल पहले, माफ कीजिएगा। इसी दिन जो कांग्रेस का शासन था, उसने सिख अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय किया था, उसे सुधारा जाना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित जोशी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सुखबीर बादल की तरफ से एक पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें कि ये मांग रखी गई है एक तरह से उनकी तरफ से, जो प्रकाशो पर्व का मौका है तो कई बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं, कैदियों को छोड़ने की बात चाहे हो। तो उस बीच में सुखबीर बादल का कहना है कि जिस तरह से जो 1984 के समय में जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ या अकाल तख्त साहिब पर हमला किया गया, तो उस दौरान जो भारतीय फौज द्वारा वहां पर मौजूद 309 के करीब जो जिनको धर्मी फौजी के नाम से बुलाया जाता है, तो उनको जो फैसिलेट किया जाए, उनको दोष मुक्त किया जाए, यह मांग उनकी तरफ से रखी गई है। अगर कहा जाए तो सिख पंथ के तौर पर यह एक बड़ी मांग है, जिसको अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई फैसला दिया जाता है या पीएम की तरफ से फैसला दिया जाता है, तो इसे एक बड़े फैसले के रूप में पंजाब के लिए देखा जाएगा। तो कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी से मांग रखी गई है सुखबीर सिंह बादल द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और इन्हीं 309 सैनिकों को बहाल करने की मांग भी करी है।